नमस्कार, मेरी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लाइज को सब्सक्राइब करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तथा बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरे वीडियो जब भी अपलोड होंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन देखना आ जाएगी। धन्यवाद। एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं धन योगों के बारे में। तो आज हम आपको जानकारी देंगे कि कार्य क्षेत्र के द्वारा किस तरह से धन प्राप्ति के योगों को देखा जाता है अपनी कुंडली में। आपके कोई से भी लग्न की कुंडली हो तो आपको क्या क्या देखना है, उसके समुचित जानकारी देने के हम प्रयास कर रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमेशा की तरह हमारा लग्न जो है वो हमारा व्यक्तित्व है, हम है, तो लग्न हमेशा बलवान होना चाहिए, लग्न से बलवान होना चाहिए, तो वो पहले देख लीजिए। उसके बाद में जिस तरह से हमने वो धन प्राप्ति के योगों के बारे में आपको जानकारी दी कि दूसरे भाव से धन भाव को देखा जाता है और 11 भाव से लाभ भाव को देखा जाता है और गुरु जो कारक है उसको देखा जाता है, तो वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार चौथे भाव से माता के द्वारा धन प्राप्ति है, पांचवें भाव से आपको शेयर मार्केट आदि से धन प्राप्ति का योग है, सातवें से साझेदारी को देखा जाता है, आठवें से अचानक गुप्त धन प्राप्ति के योगों को देखा जाता है, और नवम भाव से जो है भाग्य के द्वारा धन प्राप्ति है, और दसवें भाव से कर्म के द्वारा धन प्राप्ति है। तो आज जो हम बात कर रहे हैं कि कर्म के द्वारा जो हम धन कार्य के द्वारा जो धन प्राप्ति हमें होगी उसको कैसे देखें, तो आप अपने जो लग्न कुंडली जो भी हो तो आपको क्या देखना है, आपका लग्न बलवान होना चाहिए, दसम भाव दसमेश बलवान होना चाहिए, और ग्यारह भाव जो लाभ का भाव है और उसका स्वामी बलवान होना चाहिए। जब भी हम बलवान की स्थिति बोलते हैं, मतलब वो अपनी उच्च राशि में हो, वो ग्रह अपनी उच्च राशि के हो, सौ राशि के हो, मूल त्रिकोण राशि के हो, तथा शुभ ग्रहों के दृष्टि हो, शुभ भाव में बैठे हो, जो मित्र ग्रहों के साथ में हो, ये इसको उत्तम दृष्टि बोला जाता है ना, शुभ स्थिति कही जाती है ना, बलवान स्थिति कही जाती है। तो उसी संदर्भ में आज हम जो बात करेंगे, तो हमारा लग्न जैसा है, मान लो हम लग्न बलवान की बात करें तो लग्न यहाँ सौ राशि का मान लो हो आपकी कुंडली में, और लग्न मान लो वो जैसे दशम भाव में बैठेगा तो उच्च का होकर बैठेगा, इस तरह से अपनी मित्र राशि में जैसे यहाँ मंगल बैठा है, तो इस तरह से आप अपने कुंडली में देखिए कि लगने से आपका सौ राशि का उच्च का सौर और मूल त्रिकोण राशि का मित्र राशि में बैठा हो। उसके बाद में दशम भाव की जो बात कर रहे हैं वो कर्म भाव है, तो कर्म भाव का जो स्वामी यहाँ शनि बनता है, तो इसकी स्थिति सौ राशि की यहाँ पे भी हो सकती है, लाभ भाव में भी वो अपना यहाँ दोनों का स्वामी है। तो आप अपने दशम भाव के स्वामी को देखिए और ग्यारह भाव के स्वामी को देखिए, जो भी ग्रह होते हैं आपकी कुंडली में वो जो है वो बलवान होना चाहिए, मतलब वो सौ राशि के हो सकते हैं, वो उच्च राशि के हो सकते हैं, मित्र राशि में बैठे होंगे, और केंद्र त्रिकोण पहला चौथा सातवां दसवां भाव और पांचवें नौवे भाव में बैठे हों, दूसरे भाव में बैठे हो या ग्यारह भाव में बैठे हो। तो दसम भाव का स्वामी अगर वो उच्च का होके सौ राशि का होके केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, या वो इसी तरह से आपका जो दस ग्यारह भाव का स्वामी, तो यहाँ दसवें ग्यारह भाव का स्वामी मंगल शनि बनता है, और शनि यहाँ पे केंद्र का मालिक होके त्रिकोण में यहाँ बैठा हुआ है और लाभ का मालिक होके भी त्रिकोण में बैठा है, तो इसको हम बोलते हैं कि कर्म के द्वारा जातक को धन प्राप्त होगा, क्योंकि दशम भाव जो है कर्म भाव कहलाता है, उसका संबंध ग्यारह भाव जो है कि लाभ भाव से बन रहा है और लग्न भाव से भी बन रहा है, तो यहाँ मंगल शनि की और त्रिकोण में स्थिति बनी हुई है। तो इसी तरह आप अपने कुंडली में देखिए कि जो भी लग्न हो आपका दशम भाव का स्वामी, लग्न का स्वामी और ग्यारह भाव का स्वामी का शुभ संबंध बन रहे हो, तथा वो उच्च के हो, सौ राशि के हो, और वो केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, तो आपको कारक के द्वारा धन प्राप्ति के योग बन जाते हैं। तो अगर यही अगर आपके कुंडली में जो भी लग्न हो तो आप जरूर देखिए कि इनका शुभ संबंध होना चाहिए। एकादश भाव जो है वो लाभ भाव कहलाता है, उसका स्वामी को भी देखते हैं,
और इनका मान लो राशि परिवर्तन भी होता है। मान लो आपके लग्न में यहाँ तो शनि है, परंतु तो आपके लग्न में अगर ये 11 भाव और 10 भाव का राशि परिवर्तन हो रहा हो, एक दूसरे की राशि में बैठ रहे हो, या फिर इनकी युति जो है 11 भाव और 10 भाव के स्वामी की कहीं पे भी हो रहे होगी होगी केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, युति हो रहे हो, या दृष्टि संबंध भी बना रहे हो और 10 भाव के स्वामी और 11 भाव के स्वामी आपकी कुंडली में अगर दृष्टि संबंधी बना रहे हैं, तो आपको जो है कार्य के क्षेत्र कार्य के द्वारा ही धन प्राप्ति के योग बनेंगे। ये जितने मजबूत होंगे उतना अधिक धन प्राप्त होगा, जितना कमजोर होगा उतना कम मात्रा में धन प्राप्ति के योग बनाता है। तो कार्य के द्वारा आज हमने जो जानकारी दी आपको कि किस तरह से जातक अपनी कुंडली में देखे कि उसको कार्य के द्वारा धन प्राप्ति के योग बने हैं कि नहीं, अगर कार्य के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनते हैं तो आपको लग्न देखिए, लग्न भाव का स्वामी को देखिए, 10 भाव 10 भाव के स्वामी और 11 भाव और 11 भाव को स्वामी जी, लग्न आप स्वयं है, 10 भाव कार्य है और ये लाभ है। इनका जितना अच्छा संबंध युति से, दृष्टि संबंध से और राशि परिवर्तन से बन रहे होंगे, तो जातक को अच्छी मात्रा में कार्य के द्वारा धन प्राप्ति के योग बना देता है। तो ये एक संक्षिप्त जानकारी हम देना चाहते थे कि किस तरह से जातक अपने कुंडली में देखे कि उसको कार्य के द्वारा धन प्राप्ति के योग बने हैं या नहीं है। तो इस तरह से आपने देखा, तो ये धन के भाव जो हैं उनको देखना जरूरी है। जैसे कि यहाँ पे धन के भाव 2रा भाव है और 11वां भाव लाभ का भाव है। तो लाभ का संबंध हम जब देख रहे हैं कर्म भाव से, तो हमको जो कर्म के द्वारा लाभ प्राप्त होगा, इसी तरह से जो कारक ग्रह हैं, बृहस्पति की स्थिति भी कुंडली में अच्छी होना चाहिए। गुरु इस धन का कारक है, उसके पास में धन के डिपार्टमेंट्स हैं, तो गुरु की स्थिति कुंडली में उच्च की हो, स्वराशि की हो। जैसे गुरु मान लो यहाँ उच्च का बन जाता है, वो अच्छी स्थिति है। यहाँ पे देखो शनि भी जो है अगर 7वें भाव में उच्च का हो जाता है, वो भी अच्छी स्थिति है। तो इस तरह गुरु की स्थिति अच्छी होना चाहिए। फिर 10वें भाव के कारक ग्रह जैसे 10वें भाव के कारक ग्रह हैं, यहाँ पे गुरु भी है, शनि भी है, बुध है, शुक्र है, तो इनके भी जितनी अच्छी स्थिति कुंडली में होगी और उनका सुप्रभाव 10वें भाव 11वें भाव पे पड़ रहा होगा कारक ग्रहों का, तो भी जातक को कर्म के द्वारा जो धन प्राप्ति के योग बनते हैं वो हो जाएंगे। तो ये सरल से हमने बताया कि किस तरह कारक को देखें, 10वें भाव के कारक को देखें, फिर जो है आपका धन के कारक गुरु को देखने का है और उनका भी शुभ संबंध इन भावों से हो रहा होगा, युति होगा, तो भी आपको कार्य के द्वारा धन प्राप्ति के योग बनाएंगे। तो मेनली तो आपका 10वें भाव से हमने बात की, तो 10वें भाव को देखिए, 10वें भाव के स्वामी, उसके कारक जो ग्रह हैं, सूर्य हैं, बृहस्पति हैं, शनि हैं, बुध हैं, इनका भी आपसी संबंध जितना बनता है वो 11वें भाव से जो भी आपकी कुंडली है उसमें देखिए कि उनसे राशि परिवर्तन आदि जो भी हो रहा होगा, तो आपको इस तरह से धन प्राप्ति के योग बन जाएंगे। तो आज हमने जानकारी ली कि किस तरह से जातक को धन प्राप्ति के